अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 26, चैप्टर नंबर 12, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एस्टीमेशन। लाइक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया वो जिसमें हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेशन कर रहे हैं। पिछले तीन लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेशन करवाई है अबाउट पॉपुलेशन मीन। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेशन करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट करने का तरीकाकार वही है, जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने मेन की बजाय पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेशन करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊँगी प्रोपोर्शन क्या होती है। वो हम जब हम रेलिवेंट एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी कि प्रोपोर्शन क्या होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेशन हम लोग करेंगे जिसमें उसी तरह से आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिवन होगा, प्रपोर्शंस आपने या तो क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन होगी या आपने फाइंड आउट करनी होगी। और जो प्रपोर्शन आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगी, दैट वन इज सैम्पल प्रपोर्शन, और उसे आप लोग पी कैप से शो करोगे। ठीक है, पी कैप उसी तरह से माइनस जी अल्फा बाय टू, ये सेम है यहाँ तक। जिसके लिए प्रपोर्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसका सैम्पल एस्टीमेट, प्लस या माइनस दोनों तरफ जो आएगा जी अल्फा बाय टू, उसी तरह से टेबल वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। पी कैप एंड क्यू कैप और डिवाइडेड बाय एन स्केयर रूट। ठीक है, स्केयर रूट से भी आपको पता है स्केयर रूट कैसे लेते हैं, एन भी आपको पता है सैम्पल साइज क्वेश्चन में गिवन होगा, पी भी आप लोगों को सैम्पल प्रोपोर्शन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, क्यू आपने कैसे फाइंड आउट करना है। पी और क्यू से भी बेसिकली आप लोग थोड़े से फेमिलियर हो। ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पी और क्यू एस्टिमेशन पढ़ी हुई है, आपको पता है कि क्यू कैसे आता है, क्यू इज इक्वल्स टू वन माइनस पी, उसी तरह से आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद पी और क्यू जब आपके पास आ जाएगा, अगर सैम्पल है तो हम उसे कैप से शो करेंगे, कैप उसी तरह से आ जाएगा। तो इस फार्मूला में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट हो जाएगा। लाइक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ए स्टडी ऑफ 87 रैंडमली सिलेक्टेड कंपनीज विद आर टेली मार्केटिंग ऑपरेशन रिवील्स दैट 39% ऑफ द सैम्पल कंपनीज यूज टेली मार्केटिंग टू असिस्ट देम इन ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी एक चीज़ आपने याद रखनी है, दिस वन इज रैंडम सैम्पल सो इट इज़ एन। ठीक है, रैंडम सैम्पल। और दूसरी बात ये कि जैसे कि आपको परसेंटेज में ये जो वैल्यू दी हुई है, इतने परसेंट है जो किसी एक चीज़ को फेवर कर रही है, दिस परसेंटेज इज पी कैप। और क्योंकि ये सैम्पल प्रोपोर्शन जो है ये सैम्पल से रिलेट कर रही है, सो इट इज़ पी कैप। और पी कैप आप इसकी परसेंटेज ख़त्म कर देंगे तो 0.39 आपकी सैम्पल प्रोपोर्शन का आंसर आ जाएगा। और आप क्यू आप उसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, 1 माइनस पी कर देंगे, यानी 1 माइनस 0.39 कर देंगे तो आपका क्यू कैप आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में आपको ना ही मेन दिया जाता है ना ही वेरिएंस दिया जाता है, इसमें प्रोपोर्शन का जिक्र होता है और उसको आपने सैम्पल प्रोपोर्शन कंसीडर करना होता है और वहाँ से आपने क्यू कैलकुलेट करना होता है 1 माइनस पी करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। अब इसके की तरफ आते हैं, सोल्यूशन में देखें, इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो एज इट इज़ लिख ली है। क्यू आपने फाइंड आउट किया 1 माइनस पी कैप करके, विच इज़ 0.61, और जी अल्फा बाय टू यानी 95% पे जी अल्फा बाय टू की वैल्यू आ रही है 1.96। उसके बाद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट करेंगे पी कैप माइनस जी अल्फा बाय टू, पी कैप, क्यू कैप और स्केयर रूट और डिवाइडेड बाय एन। सिमिलरली पी कैप प्लस वही सारा रिपीट हो जाएगा, जो आपके पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0.39 में से आप ये वाला पोर्शन सॉल्व करने के बाद इसको पहले माइनस करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 0.10, इसको 0.39 में से माइनस करेंगे तो 0.29 आंसर आ गया, ऐड करेंगे तो 0.49 आंसर आ गया। सो दीज आर द कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, यहाँ तक आपका एस्टिमेशन जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट आपका आंसर प्रोवाइड हो गया। उसके बाद हमारा जो नया और थोड़ा डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है, जैसे आप लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी सिंगल के लिए, फिर डबल के लिए आ गए थे, इसी तरह से आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेशन करनी है फॉर द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स। पहले हम लोग मीन्स को डिस्कस करेंगे कि मीन्स में जब डिफरेंस आता है फिर हम लोग उसे कैसे लेके चलते हैं, और जब आपके पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आती है फिर उसे कैसे लेके चलते हैं।
तो केस वन हम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन केस वन उसी तरह से होगा कि आपने देखना है कि दोनों, अच्छा इसमें आपकी दो पॉपुलेशन का जिक्र होगा, या तो दोनों के पॉपुलेशन वेरियंसेस दिए होंगे या दोनों के सैंपल दिए होंगे, ठीक है। तो आपने सैंपल आपने देखना है कि अगर पॉपुलेशन वेरियंसेज नोन है तो सैंपल लार्ज है या स्मॉल है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक हमने पहले जो सिंगल के लिए डिस्कस किए थे केस, यहाँ पे भी हम उसी तरह से डिस्कस करेंगे। जब आपके दोनों पॉपुलेशन वेरियंसेज क्वेश्चन में गिवन हो तो सैंपल आपका लार्ज हो या स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी केस वन और केस टू सेम आप लेकर चलते हैं। अच्छा ये एग्जाम्पल जो है ये आप लोगों को बहुत बड़ी नज़र आ रही है, इस एग्जाम्पल को इग्नोर करें, आप लोगों की बुक में इतनी बड़ी एग्जाम्पल नहीं होगी, ठीक है। आपके बुक में जो भी एग्जाम्पल होगी उसे आप डायरेक्टली रीड आउट करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल को रीड करने के बजाय मैं डायरेक्टली इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी तरफ जाती हूँ। और यहाँ पे देखें 95% आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना है। यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको गिवन है ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इन वैल्यूज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो साथ में आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा कि इसमें सैंपल कौन सा है, एक्स बार कौन सा है। ये देखें सैंपल एवरेज का जिक्र किया है, दिस इज सैंपल एवरेज, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन स्टैंड डेविएशन दिस, ठीक है, एंड टी पॉपुलेशन स्टैंड डेविएशन ऑफ, यानी दूसरी जो पॉपुलेशन है उसके लिए ये वाला, ये डायरेक्टली आपको आइडिया हो जाएगा। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, सोल्यूशन में देखें जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट करके उसे इस फॉर्म में राइट कर दिया है, ठीक है। एन वन इज 50, एन टू इज ऑल्सो 50, एक्स वन बार इज 21.45 एंड एक्स टू बार इज 24.6, सिग्मा वन इज इक्वल टू 3.46, सिग्मा टू इज इक्वल टू 2.99। तो दी जी वैल्यू फॉर आर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी जी वैल्यू आप उसी तरह से 95% पे आपने फाइंड आउट की है, 1.96 इज योर आंसर। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज, अच्छा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके लिए, इसके लिए म्यू वन माइनस म्यू टू के लिए। यहाँ पे देखिए आप क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार आएगा, माइनस उसी तरह से जी अल्फा बाई टू सिग्मा वन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वेयर ओवर एन टू और स्क्वेयर रूट। सिमिलरली एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार प्लस जी अल्फा बाई टू सिग्मा वन स्क्वेयर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वेयर ओवर एन टू और स्क्वेयर रूट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका फार्मूला आ गया। इसमें जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी वो आपने एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दी है। पहले सबसे पहले आप लोग स्क्वेयर रूट को सॉल्व करेंगे, फिर इसे 1.96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 1.27। उसे आप डिफरेंस, अब यहाँ पे जब हमने डिफरेंस दिया है तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को आपने ज़रा परेशान नहीं होना, नेगेटिव आंसर को एज इट इज़ हमने लेके चलना है, ठीक है। माइनस 3.15, इसमें से हम एक दफ़ा ये माइनस करेंगे और एक दफ़ा 1.27 ऐड करेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर ये आ गया। तो दोनों नेगेटिव आंसर आ रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दीज आर दी कॉन्फिडेंस लिमिट्स ऑफ म्यू वन माइनस म्यू टू एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसके बाद अगली एग्जांपल, अगला केस जो मैंने डिस्कस किया उसमें यह है कि आपको पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन नहीं है, आपको सैंपल वेरिएंसेस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और सैंपल साइज लार्ज है। अगर आपको क्वेश्चन में सैंपल वेरिएंसेस गिवन है और सैंपल साइज स्मॉल है तब हम लोग जी टेबल वैल्यू यूज नहीं करते। इसलिए मैंने सिंगल वाले केस में भी और डबल वाले केस में भी वो केस डिस्कस यहाँ पे नहीं किया हुआ, ठीक है। तो वो केस मैंने अभी स्किप किया हुआ है, एट द एंड हम लोग उसे करेंगे। जब आपके सैंपल वेरिएंसेस गिवन हो तो आपने दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि सैंपल लार्ज है या नहीं। अगर लार्ज है तो हम लोग उसको इस फार्मूले से डील करेंगे। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल है, स्कूल ए और बी है, कंपेयर किया जा रहा है स्कूल ए और बी को किसी स्कोर की बेस पे, एप्टीट्यूड टेस्ट की बेस पर। रैंडम सैंपल लिए गए हैं दोनों स्कूल से 90 और 100 का, और फिर उनके सैंपल मीन्स जो हैं वो ये हैं आपके पास, और उनके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन ये हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसे एक्सट्रैक्ट करके हमने सॉल्यूशन में या ऐसे फॉर्म में लिख लिया है, एन वन एन टू एक्स वन बार एक्स टू बार एस वन और एस टू। यहाँ पर देखें एन वन और एन टू दोनों लार्ज हैं यानी ग्रेटर देन 30 हैं, ठीक है। सो दी 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार माइनस जी अल्फा बाई टू, जी अल्फा बाई टू की उसी तरह उस टेबल से आप 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे विच इज़ 2.33। अब यहाँ पे फार्मूले में जो चेंज आ रहा है वो सिग्मा स्क्वेयर की बजाय एस वन स्क्वेयर ओवर एन वन, एस टू स्क्वेयर ओवर एन टू, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन वेरियंसेज नहीं गिवन तो जो आपको वैल्यूज गिवन है आप वही सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो उसके बजाय आप सिग्मा वन के बजाय आप एस वन स्क्वेयर लिखेंगे और इसी तरह से एस टू स्क्वेयर लिखेंगे। ये फार्मूले में आपके प्रीवियस केस में और इस केस में सिर्फ डिफरेंस ये आ रहा है सिग्मा स्क्वेयर और एस स्क्वेयर का, ठीक है। इसको आपने देखना है कि अगर क्वेश्चन में आपको सिग्मा गिवन है तो फार्मूला में सिग्मा लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको सैंपल वेरियंसेस गिवन है तो फार्मूला में आप सैंपल वेरियंस को राइट करेंगे। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लिमिट्स आ रही हैं -7.48 से लेकर -2.12। दीज आर द कॉन्फिडेंस लिमिट्स आर एट 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा, इसी तरह से अब हमने वो केसेस मीन के लिए फाइंड आउट किए, इसी तरह से प्रोपोर्शंस के डिफरेंस के लिए भी फार्मूला हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसमें भी सेम अगर आप लोग इसको कंपेयर करें तो वैसे एज इट इज़ फार्मूला होगा, लेकिन क्योंकि हम प्रोपोर्शन के लिए कर रहे हैं तो नोटेशन जो सिम्बल्स हैं वो चेंज होंगे। लाइक P1 cap -P2 cap -Z α/2 उसी तरह से फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए, सेकेंड पॉपुलेशन के लिए और देन स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं एग्जांपल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल जो आप लोगों को नज़र आ रही है उसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको मैं हाईलाइट करूँगी। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि सैंपल सर्वे जो है 400 मॉर्निंग शॉपर्स जो हैं शॉप्स का जो है वो सर्वे किया गया, जिसमें उनकी सेल्स को नोट किया गया किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स में। तो सैंपल एक लिया गया है 400 मॉर्निंग शॉपर्स का, विच रिवील्स दैट 352 आर वुमेंस एंड 48 आर मेंस। यानी जो शॉपिंग करने आते हैं 400 लोगों का सैंपल लिया गया और उसमें से देखा गया कि 352 जो थी वो वुमेंस थी और 48 जो थे वो मेंस थे। उसके बाद ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड रैंडम सैंपल एक और लिया गया, ठीक है, 480 का आफ्टर 5 PM। और आफ्टर 5 PM में उन्होंने 480 का जो सैंपल लिया उसमें रिवील हुआ है कि 293 आर वुमेंस एंड 187 आर मेन। कंस्ट्रक्ट अ 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल टू एस्टिमेट द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ मेन। प्रोपोर्शंस हमने किसकी देखनी है, मेंस की देखनी है। रैंडम सैंपल N1 है 400, रैंडम सैंपल N2 है 480, जिनमें से आपने प्रोपोर्शन किसकी कैलकुलेट करनी है, मेन की। तो मेन को मैं यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, तो यानी आपने प्रोपोर्शन जो कैलकुलेट करनी है इन वैल्यूज को लेते हुए कैलकुलेट करनी है, ठीक है। प्रोपोर्शन की तरफ आ जाते हैं, N1 इज 400, N2 इज 480, X1 आप दोनों में से 400 में से आपके मेंस कितने थे 48 आ गया। सिमिलरली X2 480 में से मेन कितने थे 187। P1 कैसे आएगी, X1 डिवाइडेड बाय 400, यानी 48 डिवाइडेड बाय 400 इज फर्स्ट प्रोपोर्शन सैंपल प्रोपोर्शन, एंड P2 इज इक्वल्स 187 डिवाइडेड बाय 480, ठीक है। ये आपकी सैंपल प्रोपोर्शंस हैं, सैंपल प्रोपोर्शन के ये आपके पास आंसर आ गए हैं। उसी तरह से आप Q1 और Q2 फाइंड आउट कर लेंगे 1 - P1 और 1 - P2 करने के बाद, ये आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं। 98% कॉन्फिडेंस लेवल पे आपकी Z α/2 की वैल्यू है 2.33। 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल आप उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे P1 - P2 - Z α/2 P1 cap Q1 cap डिवाइडेड बाय N1 प्लस P2 cap Q2 cap डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर रूट आ गया। P1 - P2 P1 cap - P2 प्लस Z α/2 P1 cap उसी तरह से ये सारा फैक्टर रिपीट हो रहा है। उसके बाद जो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल थी वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे सेम पोर्शन है, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 0.064। वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक दफ़ा हम आप इसमें से माइनस करेंगे और एक दफ़ा इसे प्लस करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है -0.334 से लेकर -0.206 तक। दीज आर द कॉन्फिडेंस लिमिट्स एट 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। उसके बाद एक्सरसाइज में इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने ट्राई करने हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको मज़ीद इस टॉपिक के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए।